ये पेपर पढ़ा मैंने कि SI DOF 10 ये एक जीन है जो कि डॉफ का है, टोमेटो में से आइसोलेट किया, ठीक है। ये एक ऐसा जीन जो इसे कहते हैं रेफरेंस जीन। अच्छा, रेफरेंस जीन कौन सा होता है? जो वेल करेक्टराइज हुआ हो जी सर, इवन इन वीवो, इन विट्रो, इन सिलिको। हम अभी जो करेक्टराइज कर रहे हैं ना जीन्स को, अभी हम सिर्फ इन सिलिको कर रहे हैं, ठीक है जी सर। इन वीवो का मतलब है फील्ड के दौरान कोई बायोटिक स्ट्रेस दिया, कोई स्ट्रेस दिया, फिर आपने जीन एक्सप्रेस स्टडी की, फिर हमने देखा कि स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं। इन विट्रो का मतलब है लैब के अंदर भी उसको टिश्यू कल्चर के थ्रू आपने एक्सप्रेस कराया जीन को, फिर चेक किया कि जीन से प्लांट के अंदर चेंजेस क्या आती है। जब जीन एक्सप्रेशन का डाटा लिया आरएनए सीक्वेंसिंग का, तो वो आपके पास डाटा है और उसके थ्रू आपने हर लिहाज से ना वो जीन कैरेक्टराइज किया, ठीक है। इस तरह ये जो SI DOF 10 ये एक जीन है जो कि अभी मैं पेपर पढ़ रहा था इसके बारे में, ये देखिए ये एक जीन है जो कि वेल करेक्टराइज हुआ हुआ है। ये पेपर भी है उसका, रेगुलेट वेस्कुलर टिश्यू फॉर्मेशन ड्यूरिंग ओवरी डेवलपमेंट इन टोमेटो, ठीक है। मेरी बात की समझ आई? अब हम ऐसा जीन जो वेल करेक्टराइज हुआ हुआ है उसे हम कहेंगे रेफरेंस जीन, ठीक हो गया सर। आपने भी देखना है आपका जो जीन है ना, फिर क्या आप FV5 उसकी, जब आपने फाइलोजेनेटिक रेसिस बनाया तो आपको पता चला कि FV5 जो है ना फाइलोजेनेटिक के अंदर SI DOF 10 के साथ मिल रहा है जी सर। के अगर तो वो जीन जिसके साथ वो मिल रहा है वो वेल करेक्टराइज है, देन आप क्या करोगे कि अपने जीन का और इस सीक्वेंस का ना कंप्लीट आप ना इसका ऑपरेशन करोगे जी सर। ये ऑर्थोलॉग होगा ना, ये आपके जीन का ऑर्थोलॉग होगा जो कि उसके मिलता जुलता जीन है टोमेटो के अंदर या रेबिडोप्सिस के अंदर। आप देखोगे कि उसकी और आपकी प्रमोटर सीक्वेंस कैसी है, उसका जीन का के अंदर कितने इंट्रॉन एक्सॉन है, आपकी जीन के अंदर कितने इंट्रॉन एक्सॉन है, उसका जीन के अंदर डोमेन कितनी है, आपके जीन के अंदर डोमेन कितनी है। वो जीन वेल करेक्टराइज है कि ये ओवरी के अंदर एक्सप्रेस होता है टिश्यू के अंदर, अगर तो आपकी जीन की स्ट्रक्चर और उसकी जीन की स्ट्रक्चर ठीक है काफी हद तक सिमिलर है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये हमारा जीन भी इधर ही एक्सप्रेस होगा हमारे प्लांट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये काम हम पब्लिश कर देंगे पेपर, बाद में आप क्या करोगे जब आप लैब खुली तो फिर आप वही जीन दोबारा प्लांट में से आरएनए आइसोलेट करके उस जगह वो कंडीशन दे के फिर आप देखोगे कि क्या वाकई ये जो हमने हाइपोथेसिस दिया है कि ये हमारा जीन जहां जहां इन सिलिको तो हमने कंफर्म कर दिया, क्या इन विट्रो भी ऐसा ही है, क्या वाकई प्लांट के अंदर वो जगह एक्सप्रेस होता है कि नहीं जी सर। वो मेरे बाद की बात है, जिस तरह आप एमफिल या पीएचडी भी करते हो काम, ठीक है। तो मेरी बात की समझ आ रही है बच्चे? अच्छा, अब इसके मुताबिक हमारे के अंदर ये बता रहा है कि ये जीन है ना, ये वाला जीन, इसके अंदर कोई माइक्रो, अच्छा इसका जीन की जो आइडेंटिफिकेशन इन्होंने ऐसे की, अच्छा ये जीन जो है 110 इसका जो ओपन एडिंग फ्रेम थी, इसका CDNA सीक्वेंस, जो CDNA है ना जो 1559 बेस पेयर लॉन्ग है और इसके अंदर 783 बेस पेयर ओपन एडिंग फ्रेम फॉलोड बाई 5' एंड और 3' एंड सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और क्या है कि SI DOF 10 प्रोटीन कंटेन एन टर्मिनल, अच्छा प्रोटीन की दो होती है डोमेन, एक होता है एन टर्मिनल, एक होता है सी टर्मिनल, ठीक है। दो होती है हमारी ना
तो प्रोटीन की जो ना दो पार्ट दो हिस्से होते हैं, एक शुरू वाला हिस्सा एक एंड वाला हिस्सा। ज्यादा किसी भी चीज के दो हिस्से होते हैं, या तो वो स्टार्ट हो रही होती है या ज्यादातर वो एंड हो रही होती है। जो स्टार्ट वाला रीजन होता है ना प्रोटीन के अंदर, उसे एंड टर्मिनल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एंड टर्मिनल। जो एंड वाला रीजन होता है ना यहाँ पर, उसे सी टर्मिनल कहते हैं। अच्छा, अब ये बता रहा है कि इसके शुरू में कंजर्व एंड टर्मिनल 52 रेसिड्यू है। 52 रेसिड्यू का मतलब 52 अमीनो एसिड्स है जिंक फिंगर C2C2 के, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर बाईपार्टाइट न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, ठीक है। और अच्छा, अब आपने देखना है अगर आपका जीन इसके साथ मिलता है तो अगर उसके अंदर भी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की भी आगे डिफरेंट टाइप्स होंगी, ठीक है जी सर। आपकी बाईपार्टाइट है, मोनोपार्टाइट है, मल्टीपार्टाइट है, इट ऑल डिपेंड्स। अगर आपके अंदर भी बाईपार्टाइट न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, सेफ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, प्रोमोटर रीजन की काफी हद तक उसके अंदर जो हमारे मोटिव्स है वो सेम है, देन हम कह सकते हैं कि अपने पेपर के अंदर आप लिखोगे कि ये जीन वहां से कैरेक्टराइज हुआ, हमारा ये वाला जीन इससे मिलता जुलता है, और उसके और इसके अंदर ये चीजें कॉमन है, ये चीजें इसके अंदर डिफरेंट है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जीन जहां एक्सप्रेस होगा, ठीक है। बट साथ ही आपने ये कहना, बट इट नीड टू बी एक्सप्लेन प्रैक्टिकली बाई एनालाइजिंग डी सीक्वेंसेस इन विट्रो या इन वीवो। आपने अपनी कहानी जो है ना, अब आपने रिजल्ट्स को एनालाइज करना है, माशाल्लाह रिजल्ट आपको जनरेट करने आ गए, ठीक है। अब आपने इसको सीखना है कि कैसे आप आपने इसको एनालाइज करना है। मेन प्रॉब्लम होता है डिस्कशन, इसको डिस्कस कैसे करना है रिजल्ट को। अब आपको इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज कैसे चाहिए? यू नीड टू रीड द पेपर्स। जिस तरह अभी मैंने इस पेपर में से ये तो दो तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बना के जो मैंने भेज दिए, ठीक है। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चे? नहीं लगी? आ रही है सर, ठीक है। अच्छा, अब आपका जितना ज्यादा आप इस तरह के क्रिटिकली कहते ना, एक रट्टा होता है, एक होता है डिस्कशन के साथ। आप तीन चार पांच बंदों का ग्रुप है, माशाल्लाह पेपर पढ़े तो देखे कि यार रट्टा नहीं लगा रहा। टू बी वेरी फ्रैंक, आपने देखना कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके अंदर इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। क्या ये सेम इस तरह का पॉइंट मेरी प्रोटीन के अंदर भी हो सकता है? अच्छा, इसने ये कैसे एनालाइज किया? क्या मेरे भी हो सकता है? ठीक है। अब आपके एफबी कितनी है आपके पास? एफबी डॉग सर 23। आपने एक एक डॉग प्रोटीन को ना आपने कदा उसकी इची पीछी कर ली है, लेकिन वो कैसे पता चलेगी? जी सर, व्हेन यू हैव द नॉलेज, व्हेन यू हैव द क्रिटिकल थिंकिंग। जो हम पढ़ते होते हैं कि यार बच्चों को रट्टा ही लगाना चाहिए, सॉरी और ही बनाना चाहिए, पटवारी नहीं बनाना चाहिए। यू हैव टू बी थिंक, अपना ना जो दिमाग के पर्दे हैं ना वो खोलने हैं। रिसर्च उसी रिसर्च वही अच्छा कर सकता है जो क्रिटिकल थिंकिंग रखता है। समझो आपने ना अपने डाटे को ऊपर तंज करने हैं। इसके अंदर ये प्रॉब्लम भी है, ये चीज भी है, ये इसके साथ मिलती है, ये इसके वो कहते हैं बुटिया माइया पिंडा जो कर दिया गया और उदा कलर पाया सी, कलर सूट का सीगा नीले कलर का, ते विच तारियां सीगियां, ते किसी दे विच सॉफ्ट सीगा, ते किसी दे विच नीला दे नाल मिक्स कीता होया सी, ते मेरा जो जीन है ते उहदे विच है कि नहीं? मेरी गल्लां नहीं समझ आ गई? यस सर, सबको? यस सर, ठीक है। तो अब आपने ना इसके लिए यू नीड टू फाइंड द पेपर्स। मुझे भी जो नॉलेज मिलता जाएगा मैं ऐसे आप लोगों को व्हाट्सएप में शेयर करता जाऊंगा, आपको भी जो मिले आप आपस में शेयर कर लेंगे। हर एक का पेपर अच्छा बने, जब एक आप सबको हर एक के अंदर नाम आना है, जब आप लोगों के मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिकेशन होंगी आप सारे तरक्की करोगे। मेरी बात की समझ आ गई जी सर? यस सर। तो
आप आपने ना अपना अच्छा कल को माशाल्लाह आप लोग सारे क्रिटिकल माइंड हो, कल को इंशाल्लाह आपका बाहर पोस्ट डॉक पीएचडी हो जानी है, वहां आप जब इस तरह डिस्कशन करोगे तो आप वो गोरे कहेंगे वाकई ये हम इसको रखेंगे, ये हमारे काम करेगी, ये हमारे एनालाइज अच्छा तरीके से करेगी, ये इसको ये वाकई जब आप उसको भी क्रिटिकली हाथ से जब वो आपके साथ प्रेजेंट करेगा ना तो वो गोरे में कोई भी लैब आपको क्यों रखेगी व्हेन यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ठीक है exactly, sir. आप सीखेंगे व्हेन यू हैव द नॉलेज व्हेन यू हैव द स्किल्स, ये चीजें रिसर्च की ये ऐसे ही पहले दिन में ये आपको शायद पढ़ा देता था समझ ना आती, अब आप लोगों को मैंने आया पहले काम कराया रिजल्ट जनरेट कराए, अब आपको समझ आ गई कि अगर मैं ना भी हूं तो आप जनरेट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हो। मेरे लिहाज से एक पीएचडी बंदा या एमएससी बंदा एमफिल के बाद उस बंदे को डिग्री देनी चाहिए जो अपना काम खुद जनरेट कर सके, अपना प्रोजेक्ट खुद बना सके, कर सके। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? जी सर। तो अब ये देखिए उसके अंदर डिफरेंट डुप्लीकेशन के बाद टोमेटो के अंदर 34 मेंबर है डॉग के, अब वो कैसे बने वो सारी चीजें, ठीक है। तो अब आपने भी बताना है कि ये क्या चीज है, अब ये जो ये कौन सी फिगर है, यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। अब ये देखो एसआईड ऑफ 10 और 31 का मुवाजना किया हुआ इन्होंने, जी सर। तो आपने भी एसआईड ऑफ जो भी है अपने ना जीन्स का मुवाजना करना है उसको, तो क्रिटिकली इवन मैं अभी वो एक एसीएस पे काम कर रही है स्टूडेंट एंड मशीन, ठीक है, उसको मैं बता रहा था, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, उसको मैंने भेजा इसी तरह, ठीक है। मैं अब एक का नहीं हर एक का पढ़ता हूँ, दारा मेरा तो काम सबके लिए करने है ना मैंने काम। अब ये जीन है जो मिथाइल बायोसिंथेसिस के अंदर काम करता है, अब हमें पता चला कि एसीएस जीन जो है ना उसकी 3 टाइप्स है, टोटल रैपिड ऑप्शन में 12 जीन्स है, अच्छा उनमें से 2-3 जीन ऐसे है जो नॉन उसकी जो है ना प्रोटीन एसीएस की वो फंक्शनल नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं कि 9 जीन है जो एसीएस के हैं जो रैबिडॉप्सिस के अंदर है, लेकिन उनके अंदर उन्होंने उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। अब जो टाइप 1 है ना ये इसका एन टर्मिनल, ये हो गया सी टर्मिनल, जी सर। अच्छा टाइप 1 के अंदर क्या है कि सी टर्मिनल के अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस है, ठीक है, और टाइप 2 के अंदर सिर्फ 1 एक्स्ट्रा सीक्वेंस है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, और जो टाइप 3 है उसके अंदर ये यहां तक ही है बस, इससे आगे नहीं है, ठीक हो गया, मेरी बात की समझ आ गई बच्चों? ठीक हो गया सर। अच्छा फिर ये पता चला गया भाई ये देखो जब इन्होंने प्रोटीन की डोमेन का एनालिसिस किया सी टर्मिनल के ऊपर, तो ये देखे कि यहां पर ये वाली सीक्वेंस है टाइप 1 के अंदर, टाइप 2 के अंदर, लेकिन टाइप 3 के अंदर नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जी सर अलाइनमेंट करने के बाद, अलाइनमेंट को भी आप एनालाइज करेंगे, इसके अंदर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगता है जो डिस्कस हो सकती है उसको डिस्कस करें पेपर के अंदर। जब मैं अपना पीएचडी कर रहा था तो मेरी ना वायरस की एक प्रोटीन थी, उसके अंदर एन टर्मिनल के अंदर तो 10 अमाइनो एसिड, जब मैंने प्रोटीन आइसोलेट की ना उसके अंदर 10 जो अमाइनो एसिड थे ना, बाकी जितनी भी रिपोर्टेड रैप प्रोटीन थी ना उनके अंदर, लेकिन मेरी के अंदर 10 अमाइनो एसिड ज्यादा थे। जब मैंने अपने सुपरवाइजर को बताया मैं कि सर मुझे लगता है कि ये इसके अंदर कोई इश्यू है, कहता इश्यू नहीं है, आपने एक नई चीज हमें बताई है, मेरी बात की समझ आ गई है, वो म्यूटेशन की वजह से उसका स्टार्ट चला गया था या उसके अंदर एक्स्ट्रा कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए थे, मेरी बात की समझ आ रही है। अब आपने अलाइनमेंट के बाद फिर देखेंगे इसकी आप किसको ग्रुपिंग कितनी में करोगे डॉफ की, आप पेपर पढ़ेंगे पेपर्स के अंदर
कैसे लोगों ने इसकी ग्रुपिंग की हुई है, अब आपने अपनी जीन की ग्रुपिंग कैसे करनी है, ये आपने पढ़ना है, आपने बताना है, ठीक है, आपने एनालाइज करनी है चीजें, फिर आपने लिखनी है कि ये कैसे काम चल रहा है हमारा, ठीक हो गया। तो फिर मैं अब माशाल्लाह ये जो मेरे बच्चे काफी काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हमारी बड़ी पब्लिकेशन आनी है, तो मैं उनको यही बता रहा था, ये मैं भी रेफरेंस सीक्वेंस क्या होती है कि जो इन वीवो भी कैरेक्टराइज हो, इन विट्रो भी, इन सिलिको भी, और उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुई हो प्लांट्स के अंदर, तो आर्थोलॉग्स वो होगा, नॉर्मली हम लिखे हमारे जीन का आर्थोलॉग ये है जो वेल कैरेक्टराइज हो, जो के वेल कैरेक्टराइज हो उसको हम लिखे, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था आपने अपने टेबल के अंदर एक आर्थोलॉग का अलहदा से अपनी सीक्वेंस के साथ ऐड करनी है चीज, जिस तरह ये आर्थोलॉग है ना, बल्कि ये जो अनानास के ऊपर शी इज वर्किंग ऑन दैट, और साथ में ना ये आर्थोलॉग्स के ऊपर काम कर रही है, आपने बाकी चीजें तो ऐड कर दी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, माइनो एसिड, ये वो, साथ में एक ऐड करना है आर्थोलॉग्स। आर्थोलॉग से ये हमें अंदाजा हो जाएगा कि आपकी ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो किस प्लांट्स के अंदर वेल कैरेक्टराइज है, उसके साथ इसका अच्छा वो चीजें सारी की सारी मिल जाए। होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू। अच्छा अब ये देखो, इन्होंने ये कहा कि SIF2 प्रोटीन्स लोकलाइज्ड इन द न्यूक्लियस एंड शो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी, ठीक है। अब आपने भी ये बकायदा इन्होंने कंफर्म किया, ये देखो ना बकायदा, ये देखो ये जो प्रोटीन कैसे कंफर्म की हुई, ये देखे ये इन्होंने बकायदा उस प्रोटीन को टैग किया ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के साथ, फिर ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन को एक्सप्रेस कराया सेल्स के अंदर, तो मुझे पता चला कि ये जो जीन है ना, ये जो प्रोटीन जब जहां जहां ग्रीन लाइट आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ना पता चल जाता है कि प्लांट के सेल के किस पार्ट में जीन एक्सप्रेस हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इन्होंने ये एक्सप्रेस करवाई और ये कह रहे हैं कि इसके मुताबिक ये न्यूक्लियस के अंदर एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? जी सर, जी सर। तो इस तरह अच्छा अब ये मोटिफ का पता चल गया, फिर SIDO एक्सप्रेशन ड्यूरिंग प्लांट डेवलपमेंट। तो आपने इस तरह डिफरेंट जो है ना, आप जितना मैक्सिमम डाटा आपको मिलता जाता है उसके मुताबिक आप अपने डाटे को ना एनालाइज करते जाए, वो चीजें आपके रिजल्ट्स और डिस्कशन में ऐड करते जाए, एंड नोट के थ्रू रेफरेंस हो, बाकी एनालाइज करो। जब रीडर पढ़े ना, जो रिव्यूअर है वो कहे यार बच्चे ने बड़ा मेहनत की है, वो कैसे जा रहा है, वो साइंटिस्ट होगा इसने जब आप पेपर इंटरनेशनल जर्नल में भेजते हो, किसी अच्छे साइंटिस्ट को भेजते हैं आपका पेपर पढ़ने के लिए, जब वो देखेगा वाकई यार इस बंदे ने जो चीज पढ़ी है ना वो वाकई किसी काफी पेपर कंसल्ट किए हैं, क्योंकि इतने पेपर कंसल्ट करने के बगैर यार बच्चे एक ना फोन आ रहा है थोड़ी देर के लिए आप, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ये आप कहां से आ रहे हैं?